नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। वक्त तो खबर फिल्मी है कहा है, लेकिन आज क्योंकि बड़ी खबर बिहार से, इसलिए यह बड़ी खबर आपको देना जरूरी। बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार दी है। एक बार फिर नीतीश कुमार लालू यादव की पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद आरजेडी के बड़े नेता शरद यादव ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, और शरद यादव का कहना है कि नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन की सरकार टूट गई है, और एक बार फिर से वहां महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बिहार की राजनीति में, और मेरे साथ इसीलिए एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए बिहार का शायद सबसे बड़े चेहरों में से एक शरद यादव जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता। और मैं यहां दोहरा दूं कि 2015 में जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ नहीं आ रहे थे, तमाम दिक्कतें आ रही थी, तो उस गठबंधन की नींव शरद जी ने रखी थी। दोनों को साथ शरद जी लेकर के आए थे। शरद जी, बहुत बहुत मुबारक हो कि यहाँ पर अब महागठबंधन की सरकार बन रही है, और 4 बजे हमने पता चला कि नीतीश जी जा रहे हैं राज्यपाल से अब मिलने के लिए। देखिए, स्वाभाविक है, ये चुनाव लड़े थे तो यही गठबंधन था, इसी को लोगों ने वोट दिया था, और आज फिर से जो गठबंधन बड़ा है तो इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ, और ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। यानी इसी गठबंधन के जरिए सरकार बनी थी, तो बीच में जो है वो नीतीश जी चले गए थे बीजेपी में, बीजेपी के साथ, लेकिन आज उनको भी समझ आ गया, तो एक तरह से जो है वो पुराना जो गठबंधन था उसकी ये बड़ी जीत है। सर, नीतीश जी ने अपनी पार्टी की जो बैठक की उसमें ये कहा, जैसे आपने अभी कहा कि नीतीश जी को भी समझ आ गया, उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को कमजोर कर रही थी, इस वजह से उन्होंने चीटेड फील किया। नहीं, बात ठीक है, जब वो ये कह रहे हैं तो जो है वो तो अच्छा हुआ, वो इस समय गठबंधन में फिर सब लोग इकट्ठे हो गए। नहीं, आज नहीं कल वो जो कह रहे थे वो तो होना था, पार्टी तोड़ देते कोई, क्योंकि आरसीपी सिंह जो है वो इस काम के लिए इंस्ट्रूमेंट है, तो निश्चित तौर पर ये जो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास हो रहा था, तो वो तो सब जगह फैला हुआ था। तो आपकी क्या बात हुई, आपको लगता है कि ये सरकार अब चल सकेगी, स्टेबल होगी? नहीं, मैं कहता हूँ स्वाभाविक तौर पर जनता ने वोट इसको ही दिया था, और सरकार मेरे ख्याल से अब नहीं चले, सरकार किसी तरह गड़बड़ नहीं होगी, अच्छे से सरकार चलेगी, बीच में गड़बड़ होने वाली नहीं है। शरद जी, हम लोगों को ये पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे आपकी पार्टी के नेता, तो क्या ऐसा भी कुछ है कि तेजस्वी जी चाहते हैं कि उनको गृह मंत्रालय मिले, और आपको लगता है कि ये सामंजस्य बिठ जाएगा तरीके से? गठबंधन में कान के बीच में किसकी बात हुई है, कैसे मिला है, वो तो जब गठबंधन होता है तो कई तरह की बात चलती है, और इसके बाद फाइनल होता है, जैसे अभी नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी गृह मंत्री होंगे और स्पीकर भी आरजेडी का होगा, ये पैकेज बना है, तो निश्चित तौर पर बातचीत और चर्चा के बाद ये हुआ है। ये तो बड़ी बात है कि स्पीकर भी आरजेडी, होम मिनिस्टर तेजस्वी यादव, गृह मंत्री भी और उप स्पीकर जी, तो अब जो गठबंधन बना है वो अब टूटेगा नहीं। शरद जी, एक बात नीतीश जी के बारे में फिर से कही जा रही है जो अक्सर कही जाती है कि नीतीश जी राजनीति में पलटी बहुत मारते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, फिर पलट गए, फिर पलट गए, इस बात की क्या गारंटी है कि फिर आगे नहीं पलटेंगे? ऐसा है कि इस मुबारक मौके पे इस तरह की कोई बात मैं नहीं कहना चाहता, कई तरह की बातें चलती है मीडिया में, लेकिन ये मौका खुशी का मौका है, इस मौके पे मैं किसी तरह की बुरी बात, खराब बात नहीं बोलना चाहता। तो क्या ऐसी गुंजाइश है कि अब जब ये महागठबंधन दोबारा से बन रहा है
तो 2024 से पहले ओपोजिशन का प्रधानमंत्री का चेहरा भी नीतीश कुमार साहब हो सकते हैं? क्यों नहीं, बात यह ना कि अभी तो फिलहाल सरकार नए जैसी थी वैसी बन रही है और सिचुएशन परिस्थिति बनेगी तो बन सकती है प्रधानमंत्री, आपको लगता? तो शरद यादव आरजेडी के नेता, आपने सुना उनको कह रहे हैं खुशी का पल है, कोई भी गलत बात नहीं होगी। जब भी गठबंधन होता है तो बहुत तरीके की बातें होती हैं और बड़ी खबर इस समय की यही है कि थोड़ी ही देर में राज्यपाल फागू चौहान से मिलने पहुंचेंगे नीतीश कुमार, अपना इस्तीफा सौंपेंगे, राजभवन जाने वाले हैं नीतीश कुमार। शाम 4 बजे का वक्त लिया गया है गवर्नर से और इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार और फिर आरजेडी के साथ मिलकर बनेगी। ABP News, आपको रखे आगे।